दिस इज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। त्वचा, जिसे कभी कभी इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, हमारे शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। यह शरीर की कई तरह से रक्षा करती है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। वयस्कों में इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 1.5 से 2 वर्ग मीटर तक होता है। त्वचा की दो मुख्य परतें होती हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि त्वचा दो लेयर्स की बनी होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। सबसे पहले हम देखते हैं एपिडर्मिस लेयर के बारे में। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे सतही परत होती है और यह स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम से नामक टिश्यू से बनी होती है। एपिडर्मिस में कोई रक्तवाहिका या नर्व एंडिंग्स नहीं होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहां से लेकर स्किन का यहां तक का जो पार्ट है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो हैं केराटिनोसाइट, मिलेनोसाइट, लैंगरहैंस सेल्स एंड मर्कल सेल्स। सो व्हाट आर दीज, वी कैन डिस्कस देम वन बाय वन, एक एक करके हम इसको स्टडी कर लेते हैं। केराटिनोसाइट सेल्स, सबसे ज्यादा जो संख्या में जो सेल्स हमारी स्किन को बनाती हैं वो केराटिनोसाइट्स हैं। ये चार परतों में व्यवस्थित होती हैं। इसके अंदर ये केराटिन नाम का एक प्रोटीन उत्पादन करती हैं। यह प्रोटीन काफी सख्त, स्ट्रोंग और रेशेदार प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, जो त्वचा को सुरक्षात्मक शक्तियां प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है त्वचा को। दूसरे टाइप की सेल है मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट मिलेनिन नाम का एक पिगमेंट सीक्रेट करती हैं, जो हमारी स्किन की त्वचा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, त्वचा के रंग के लिए। तीसरे टाइप की सेल है लैंगरहैंस सेल। ये कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती हैं और रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं और वहां से ये एपिडर्मिस में शिफ्ट हो जाती हैं। मर्कल सेल्स संवेदी न्यूरॉन्स की एक जो चयन प्रक्रिया के संपर्क में आ जाती हैं और नर्व एंडिंग्स के संपर्क में रहती हैं और वहां से सिनेप्सिस उसके साथ बनाती है, ठीक है, जिससे जो भी हमारे त्वचा की सेंसेशन है वो रिसीव हो सके और ब्रेन तक पहुंच सके। तो जो सेंस ऑफ टच है वो हमारा मर्कल सेल्स की सहायता से संपन्न होता है। अब आता है कि एपिडर्मिस की लेयर कौन कौन सी हैं। तो एपिडर्मिस के जो लेयर्स हैं वो हैं स्टेटम बेसल, स्टेटम स्पाइनोसम, स्टेटम ग्रेनुलोसम, स्टेटम ल्यूसिडम और स्टेटम कॉर्नियम। अब इनको हम एक एक करके स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले जो लेयर आती है वह है स्टेटम बेसल। स्टेटम बेसल एपिडर्मिस की सबसे गहरी परत है। तो यहाँ पर जो आप लेयर देख रहे हैं ये स्टेटम बेसल है। यह कॉलमनर केराटिनोसाइट नाम की एक लेयर से, सेल की एक लेयर से मिलकर बना होता है, जो बेसमेंट पे जुड़ी हुई होती है, या एक बेसमेंट लेयर है और उसके ऊपर ये टिकी हुई है। यह परत डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच एक बॉर्डर या बाउंड्री बनाती है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में हम देख सकते हैं इजीली, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये एक लेयर है, इसे हम स्टेटम बेसल कहेंगे। तो इसके नीचे डर्मिस शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है स्टेटम स्पाइनोसम। स्टेटम स्पाइनोसम स्टेटम बेसल के ऊपर स्थित होता है और यह कई परतों से बना होता है। इसकी इस परत में जो केराटिनोसाइट्स हैं उनमें स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बाहर की तरफ, इसलिए इसे हम स्टेटम स्पाइनोसम कहते हैं और ये काफी टाइट होती हैं। इसी टाइटनेस के कारण हमारी स्किन को मजबूती और एक लचीलापन प्रदान होता है या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटम स्पाइनोसम की कई लेयर से मिलकर ये स्टेटम स्पाइनोसम बनता है। इसमें बहुत सारी केराटिनोसाइट्स होती हैं और बीच बीच में लैंगरहैंस सेल भी होती है। नेक्स्ट लेयर आती है स्टेटम ग्रेनुलोसम। स्टेटम ग्रेनुलोसम स्टेटम स्पाइनोसम के जस्ट ऊपर होती है और इसमें भी कई लेयर्स होती हैं, 3 से 5 लेयर्स हो सकती हैं। इसमें
जो सेल्स होती हैं उनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसीलिए इसे हम स्टेटम ग्रेन्यूलोसम कहते हैं। और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये पानी प्रतिरोधी लिपिड से बनते हैं, इससे शरीर की जो स्किन है वो पानी से जो अपना वाटर लॉस है उससे बचाती है, ठीक है। तो एक प्रकार का प्रोटेक्शन प्रदान करती है वाटर लॉस से। इसी साथ ही ये जीवाणुओं की एंट्री भी हमारी बॉडी में होने से रोकती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है स्टेटम ग्रेन्यूलोसम। इसके बाद जो इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो है स्टेटम ल्यूसिडम। स्टेटम ल्यूसिडम में फ्लैट और डेड सेल्स होती हैं और उसकी चार पांच लेयर होती हैं। बट ये जो लेयर है ये शरीर के सभी हिस्सों में नहीं पाई जाती, केवल मोटी त्वचा वाले क्षेत्रों में ही ये पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए एडी में ये जो कोशिकाएं हैं उसमें कोई नाभिक नहीं होता, यानी न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये कस कर पैक होती हैं जिससे वहां से फ्लूड लॉस जो है वो ना हो सके और एक मजबूत जो प्रोटेक्शन है वो मिल सके। तो आप ये देख सकते हैं स्टेटम ल्यूसिडम की ये लेयर है। इसके बाद आती है स्टेटम कॉर्नियम। यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है वो स्टेटम कॉर्नियम है, और इसमें डेड केराटिनोसाइट्स की लगभग 25 लेयर्स होती हैं, स्केल्स शल्कों की बनी होती हैं या स्केल्स की बनी होती हैं। यह परत प्रकाश, गर्मी और सूक्ष्म जीवों और रसायनों आदि से हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं, और रगड़ लगने से ये गिरती रहती हैं और नई लेयर्स नीचे से आती रहती हैं। तो ये बताया गया है, ये स्टडी किया गया है कि लगभग 1 महीने में या 30 डेज में ये जो लेयर्स हैं एपिडर्मिस की सारी रिप्लेस हो जाती हैं और नई लेयर आ जाती है। अब आता है डर्मिस या स्किन का दूसरा पार्ट। जो एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर है उसे हम डर्मिस कहते हैं। डर्मिस मजबूत कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है जिसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। फाइबर के बने हुए इस नेटवर्क के कारण ही हमारी जो त्वचा है उसमें एक लचीलापन और ताकत आती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं। डर्मिस दो लेयर से मिलकर बना है, एक पेपिलरी एस्पेक्ट होता है और दूसरा रेटिकुलर एस्पेक्ट होता है। पेपिलरी एस्पेक्ट डर्मिस को एपिडर्मिस से जोड़ता है, ऊपर वाली लेयर होती है, और इसी लेयर के कारण जो स्किन में जो निशान, छोटी छोटी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो बनते हैं। उसके नीचे का हिस्सा होता है रेटिकुलर एस्पेक्ट, जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर तक जाता है। इसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स उसमें होते हैं और वो एक नेटवर्क बनाते हैं। ये जो इलास्टिक फाइबर्स हैं ये वैसे तो लचीले होते हैं, बट जब बहुत ज्यादा स्किन को खिंचाव मिलता है तो ये ब्रेक हो जाते हैं और परमानेंट धारियां स्किन के ऊपर आ जाती हैं, जैसा गर्भावस्था में या बहुत अधिक मोटापे में पेट के ऊपर देखी जाती हैं। डर्मिस में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जैसे रक्तवाहिकाएं, लिम्फ वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, स्वीट ग्लैंड्स, हेयर्स, इरेक्टर पिलाई, मसल्स और सीबेसियस ग्लैंड्स। माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।